हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पहली वैक्सीन को विशेषज्ञ सहमति की मंजूरी। वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग के बीच नए साल में देशवासियों को वैक्सीन की सौगात मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञ की समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपात स्थिति में सुशर्त इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। यह पहली वैक्सीन है जिसे देश में इजाजत दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब इस सिफारिश को ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया को पास भेजा जाएगा। अंतिम फैसला जो है DCGRE लेंगे। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 से 7 जनवरी तक कोरोना जांच अभियान। क्रिसमस व नववर्ष के बाद कोरोना संक्रमण कितना फैला है इसकी जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 5 से 7 जनवरी के बीच मास ड्राइव चलाने की योजना बनाई है। इस दौरान रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और बोकारो और हजारीबाग में स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। विभागीय सूत्रों ने बताया कि रांची को लेकर विभाग गंभीर है। रांची में लगातार जो है 5 से 7% के बीच संक्रमित मिल रहे हैं। रांची में इस बार ज्यादा टेस्ट होंगे। बताया गया है कि 102 दिनों में टारगेट तय कर दिया जाएगा। वहीं इस बार मास ड्राइव में RT-PCR व टूनेट मशीन से जांच के लिए लक्ष्य दिए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्यभर में करीब 1 लाख के करीब जो है जांच योजना बनाई जा रही है। इसमें सर्वाधिक जांच जो है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो और हजारीबाग में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटर परीक्षा का फॉर्म आज से होंगे जमा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी शनिवार से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के साथ जो है 2 से 22 जनवरी तक तथा विलंब शुल्क के साथ 23 से जो है 30 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा होंगे। जैक की वेबसाइट जो है www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से फॉर्म जमा लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि नए साल के साथ मौसम में भी बदलाव हो रहा है। शुक्रवार को ठंड में थोड़ी सी कमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। वही जो है 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान जो है 11 व अधिकतम तापमान जो है 26.8 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इसके बाद जो है 4 जनवरी से न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। 7 जुलाई को जो है न्यूनतम तापमान बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। वही जो है 2 जनवरी को सुबह में कहीं कहीं कोहरा या धुंध रहेगा और 3 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत 6 शहरों को मिला सस्ते घर का तोहफा। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत जो है सरकार रांची, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, अगरतला और राजकोट में 1000-1000 से अधिक नए हल्के मकानों का निर्माण करेगी। इन आवासों का निर्माण जो है 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये जो है 6 परियोजनाएं वाकई लाइट हाउस यानी जो है प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह परियोजनाएं देश में आवासीय निर्माण को नई दिशा दिखाएगी। ये मकान गरीबों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगी। इन मकानों के निर्माण में फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों की आधुनिक और जो है अग्रणी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने नए साल की शुभकामनाएं देने आए JPSC के अध्यक्ष से झारखंड के युवाओं को नौकरी देने को लेकर क्या बोले। झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन 9 वर्ष के पहले दिन जो है कल शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात की और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहा कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है नौजवानों को नौकरी मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 9 वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड और राज्यवासियों के लिए जो है सुख, शांति, समृद्धि और विकास का यह साल हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। इन 6 जिलों में तैयारी। झारखंड में जो है 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन शुरू होगा। इसके लिए जो है 6 जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा में आज से वैक्सीनेशन को लेकर रिहर्सल शुरू हो जाएगा। राजधानी रांची में जो है 3 जगह सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और पंचायत भवन जो है बड़का टोली रातू में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन होगा। इसमें 25 लोगों को शामिल किया जाएगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग जो है WHO की टीम करेगी। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, पर केंद्र की तरफ से 1 जिले में ड्राई रन शुरू करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने जो है 6 जिलों को इसके लिए जो चिन्हित किया गया है। इन सभी जिलों में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1 जनवरी को जो है कोरोना के 128 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से जो है 71 संक्रमित केवल रांची से मिले हैं। रांची जिले में नए संक्रमितों के मिलने की दर जो है 6.19% है। 1 जनवरी को झारखंड में जो है 12,767 सैंपल की जाँच हुई और 1% संक्रमित मिले हैं। वही राज्य में अब तक जो है 1,063 मरीजों की मौत हो चुकी है और जो है 1,15,241 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से जो है 1,12,529 संक्रमितों की रिपोर्ट
नेगेटिव आ चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस जो है 1682 है। नए संक्रमितों में जो है बोकारो से 3, देवघर से 2, धनबाद से 8, दुमका से 3, पूर्व सिंहभूम से 12, गढ़वा से 1, हजारीबाग, जामताड़ा से 1-1, खुट्टी व लातेहार से 2-2, लोहरदगा से 1, पलामू से 11, रामगढ़ से 4, रांची से 71, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 1 नए संक्रमित मिले हैं। वही जो शुक्रवार को 105 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने दी 9 वर्ष की शुभकामनाएं। चेन्नई के MGM अस्पताल में भर्ती राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति में सुधार हो रहा है। फेफड़ा प्रत्यारोपण के बाद जो है शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से ज्यादा मजबूत हुए हैं। ICU से जो है जगन्नाथ महतो ने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व झारखंड की जनता को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि वह जो है स्वस्थ होकर शीघ्र अपना प्रदेश लौटेंगे। उनका इलाज कर रहे जो है डॉक्टर अपार जिंदल ने कहा कि शिक्षा मंत्री की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। फेफड़ा व शारीरिक को जो है मजबूत करने के लिए व्यायाम कराया जा रहा है। आवाज में सुधार हुआ है। धीमी ही सही लेकिन स्पष्ट आवाज में वह बात करने लगे हैं। 1 से 2 दिनों में जो है मेडिकल रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद जो है घर भेजने का फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे कृषि मंत्री बादल, किसान आंदोलन में शामिल हुए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा कृषि नीति के खिलाफ आंदोलन में कूदे। कृषि मंत्री किसानों के समर्थन में दिल्ली के समीप जो है सिंघू बॉर्डर पहुंचे। मंत्री ने नया साल की पहली रात किसानों के साथ ही गुजारे हैं। गुरुवार को मंत्री दिल्ली पहुंचे और जो है सीधे किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। श्री जो है पत्रलेखा ने किसानों से कृषि के विकास के आयाम पर चर्चा की। कृषि नीति को लेकर किसानों के आक्रोश के कारण जाने उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और जो है कांग्रेस पार्टी का जो है नैतिक समर्थन किसानों के साथ है। वह इस जो है आंदोलन में पूरी तरह से किसानों के साथ है। केंद्र सरकार जो है अविलंब किसानों की जो है मांग पूरी करे। झारखंड सरकार किसानों के जो है उत्थान विकास और उनकी आय दोगुनी करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेल डिवीजन 2, 3 और 4 जनवरी को कई ट्रेनों का परिचालन कर रहा है शुरू। रांची दुमका और लोहरदगा ट्रेन आज से चलेगी। रांची रेल डिवीजन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2, 3 और 4 जनवरी को ट्रेन का जो है परिचालन शुरू कर रहा है। इन ट्रेनों को रेलवे स्पेशल ट्रेन के रूप में चला रहा है। यात्री टिकट PRS काउंटर, अनारक्षित टिकट काउंटर, UTC ऐप और जो है ATBM या फिर जो है IRCT की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 2 से 4 जनवरी तक 10 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें हटिया सरायकेला पैसेंजर, हटिया टाटा पैसेंजर, आद्रा बड़काकाना सहित कई ट्रेन शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में हादसा, संसद का स्कॉट की गाड़ी पलटी, एक जवान की मौत। मेंस एसोसिएशन ने कहा कि महंगी गाड़ियों के सामने पुलिस गाड़ी हांफ रही है। बिहार के औरंगाबाद सांसद सुनील सिंह की स्कॉट में शामिल गाड़ी शुक्रवार को जो है छतरपुर के दिनदाग में पलट गई। हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सांसद ना ही जो है घटनास्थल पर रुके और ना ही हॉस्पिटल में जाकर घायलों से मिले। इसके कारण जो है पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष जो है अक्षय पासवान ने कहा कि मंत्री जो है और सांसद विधायक महंगी गाड़ियों में चलते हैं जो काफी तेज गति से चलती है। ऐसे वाहनों के जो है एस्कॉर्ट में पुलिस का गाड़ी सक्षम नहीं है। VIP गाड़ी के दबाव में जो है पुलिस गाड़ी को तेज चलना पड़ता है। इसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 जनवरी से खुलेंगे सिविल कोर्ट। जामताड़ा विधायक मामले में 11 को होगी सुनवाई। 1 सप्ताह की छुट्टी के बाद जो है जनवरी से रांची सिविल कोर्ट खुल जाएगा, कामकाज शुरू होगा। सिविल कोर्ट जो है 25 दिसंबर क्रिसमस से बंद था। नए साल में जो है कई महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई होनी है। इसमें जो है CM से जुड़े शिकायतवाद और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मामले में सुनवाई होनी है। वहीं रांची सिविल कोर्ट के जो है अधिवक्ता राम परमेश राय की हत्या मामले में आरोप तय हो चुका है। 4 जनवरी को जो है अभियोजना पक्ष की ओर से गवाही दर्ज कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली बोर्ड में 647 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति होगी। इसमें 542 सिविल इंजीनियर और 95 मेडिकल इंजीनियर के पद पर हैं। JPSC ने गुरुवार को इसके लिए नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा जो है 22 से 24 जनवरी तक होगी। 22 को पहली पाली में सुबह 10 से 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। 23 जनवरी को दूसरी पाली सुबह जो है 10 से 12 बजे और दो है दूसरी पाली दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। इसी तरह जो है 24 जनवरी को सुबह 10 से जो है दोपहर 1 बजे तक और जो है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। इंजीनियरों को जो है 9,300 से जो है 34,800 रुपए के पे स्केल पर रखा जाएगा। JPSC ने पिछले साल अक्टूबर में आवेदन मांगा था लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा टल गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।